सो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? एटम में क्या पढ़े थे? रदरफोर्ड के साहब के थ्योरी के बारे में पढ़े थे ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और उसमें से हमने क्या निकाला हुआ था? हमने इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाला हुआ था, है ना। चलो, अब रदरफोर्ड साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। दिक्कत था क्या था? हम जब एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ रहे थे, मान लो बीच में एक न्यूक्लियस है, यहां पे अगर एक छोटा सा एग्जांपल करके देखें, मान लो यहां पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, और ये वही रदरफोर्ड साहब ने वही बोला था, इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ विद सर्टेन रेडियस। अब अगर घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से एनर्जी निकल रहा होगा, क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है और जो रेडिएट होता है हीट के फॉर्म में, है ना, तो एनर्जी इसमें से रेडिएट हो रहा होगा। तो क्या बोल रहा था, अगर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से एनर्जी रेडिएट होंगे, होंगे या नहीं होंगे? एनर्जी रेडिएट हो रहा हो, खर्चा कर रहा हो, अगर तुम अगर भागते हो थकते नहीं हो गया? थकते हो ना, क्यों थकते हो? तुम्हारे बॉडी से एनर्जी खत्म हो जाता है इसीलिए। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एनर्जी भी घट रहा होगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे एनर्जी घट रहा होगा वैसे वैसे उसका रेडियस भी कम होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, अगर आप एनर्जी आपका खत्म हो रहा है तो आप धीरे धीरे सेंटर की ओर खींचे हुए आते हो, क्योंकि आप धीरे धीरे भागने लगते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके और खींचते हुए आ जाना चाहिए, और एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, डंप हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और जो रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट था वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे कैसे कंटिन्यूअसली घूम रहा है। तो उसके बाद हमारे आए बोर साहब, जो रदरफोर्ड साहब के स्टूडेंट थे। अब उन्होंने अपने पढ़ाई से, अपने नॉलेज से कुछ पोस्टुलेट्स दी। अब इस पोस्टुलेट्स को हम थ्योरी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि साइंस में चाहे जितना बड़ा भी लोग हो जाए, लोग हो, वो कुछ भी बोल दे, जब तक वो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना करवा दिया जाए तब तक उसको हम थ्योरी या फिर थ्योरी नहीं बोल सकते, ये तो हमें पता है। तो बोर साहब ने जो पोस्टुलेट्स दिया वो हो तो रहा था, लेकिन उन्होंने उस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए आज तक उसको बोर्स के पोस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है। और बोर साहब ने क्या बोला कि एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। मतलब उन्होंने ये कहा, अगर एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है और वो अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो वो उसका एक स्पेसिफाइड पाथ है, ठीक है, उस पाथ में जब वो घूमता है तो उसमें उसका एनर्जी खर्चा नहीं होता, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, एनर्जी खर्चा नहीं होता है, तो हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम के साथ अगर वो बराबर हो जाए तब उसका एनर्जी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम दो क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर एक चीज एक पर्टिकुलर रेडियस में घूम रहा है अगर उसमें एंगुलर मोमेंटम लग जाता है, मतलब L इक्वल टू क्या होता है MVR, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, L इज इक्वल टू MVR फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, अगर एक जो बॉडी है वो अगर एक रेडियस में घूम रहा है, R रेडियस है, और वो जब घूमता है अगर वो L के बराबर हो जाए, एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाए तो उसमें एनर्जी खर्चा नहीं होगा, तो उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन क्या एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर रदरफोर्ड साहब ने क्या देखा था या फिर हमने जो स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसमें से लाइट भी निकलता है, तो मतलब अगर वो अपने पाथ में घूम रहा है तो उसमें से एनर्जी कैसे निकल रहा होगा? तो उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। बोर साहब ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही पाथ में घूम रहा होगा, हो सकता है इसमें मल्टीपल पाथ हो, हो सकता है इसमें मल्टीपल पाथ हो, और इस मल्टीपल पाथ में भी इलेक्ट्रॉन घूमता है,
और वो किसके बराबर होता है, वो होता है एन एच अपॉन टू पाई के बराबर। ठीक है, जब इस पाथ में घूमे, एन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इस पाथ के ऊपर वो घूमता है, इस पाथ से घूमता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई। उधर ये सिर्फ घूमेगा जब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो अगर h अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो उस पाथ पे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो नेक्स्ट वो इधर घूमेगा, इसके बीच में वो घूम नहीं सकता, हालांकि फ्री स्पेस है, कहीं पे भी घूम सकता है, लेकिन वो घूमेगा नहीं, वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमेगा। और वो जो फिक्स्ड पाथ है वो क्या होता है, h अपॉन टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन टू पाई। तो इससे उन्होंने एक फॉर्मूला या कैलकुलेशन दिया, जो एल होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो होगा एन एच अपॉन टू पाई के बराबर, वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और तीसरा उन्होंने क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ द स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी, व्हेन इट डज सो ए फोटोन इज रेडिएटेड हैविंग ए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट आता है, मान लो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पे आया, तो इस ऑर्बिट पे जब वो घूम रहा होगा रेडियस ज्यादा है, यहां पे देखो एनएच रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से घूम रहा होगा या धीरे धीरे घूम रहा होगा, धीरे धीरे घूम रहा होगा। तो जब वो यहां पे मान लो धीरे धीरे घूम रहा है, फिर जब इस पाथ पे आएगा, इधर आएगा, तो वो जोर जोर से घूमने लगेगा ना, तो एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ, और उसी एनर्जी डिफरेंस के वजह से उसमें से एक लाइट या एक फोटोन निकल के आता है, जिसके वजह से हमें लाइट का पता चलता है, या जो लाइट रेडिएट होता है वो इसी के वजह से होता है। जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तब वो जो एनर्जी डिफरेंस होता है, तो एनर्जी डिफरेंस जब होता है उसी के वजह से एक फोटोन रिलीज होता है, जिसके वजह से हमें फोटोन इज रेडिएटेड, कहा लिखा था, फोटोन इज रेडिएटेड हैविंग एन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल यह है, इनिशियल एंड फाइनल मतलब यहां पे जितना एनर्जी था, यहां पे जब यहां पे आया तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उस हिसाब से वो एक फोटोन रिलीज करेगा, और उस फोटोन जो रिलीज करेगा उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, और जो कि ऐसे एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ के फॉर्म में गिवन हुआ, और इन्होंने ये सब बताया था। अब सोचो उस जमाने में जब इतना मॉडिफिकेशन साइंस का हुआ नहीं था, उस जमाने में बोर साहब ने इतना कुछ सोच लिया था और एक्सप्लेन भी कर दिया था, सोचो तो कैसा दिमाग होगा उनका, सोच पा रहे हो कितना हाई लेवल दिमाग होगा। चलो, तो इसी पोस्टुलेट के बेसिस पे उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस दिए कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होगा, और उसमें से कितना एनर्जी एमिट हो रहा होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस दिए, और वो कैलकुलेशन हमें अपने पढ़ाई के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, चाहे वो डेरिवेशन वाला हो। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, मैं मिटा के पहले लिख देता हूं सारा जो है, उसके बाद समझा दूंगा। तो जब बोर साहब ने कैलकुलेट किया, और वो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे, वो कैलकुलेट कर रहे थे हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, किसके लिए, ये लिख लो, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जब वो कैलकुलेट कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया था, हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर, और बोर साहब के सेकेंड पोस्टुलेट से हमें क्या पता है, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो ये और ये बराबर होना चाहिए, तो उन्होंने उसको बराबर कर दिया, तो बोला क्या, एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, और ये एन क्यों लगा दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के लिए। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिनोट करता है। अब लास्ट क्लास हमने ये पढ़ा था, जब वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे रदरफोर्ड साहब के कैलकुलेशन से, vn इज इक्वल टू e बाय रूट ओवर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mrn था, अगर पेज पलटोगे तो दिख जाएगा ये फॉर्मूला, ये हमने लास्ट क्लास भी कैलकुलेट किया हुआ था,
है ना। तो वी एन इज इक्वल टू ई अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर एन। अब उन्होंने क्या किया, इसमें से वी एन का वैल्यू निकाला, ठीक है, इसमें से वी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाए इंटू वन बाय एम इंटू आर एन होगा या नहीं होगा, वी एन का वैल्यू इसमें से, और उस वी एन का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इस वी, अच्छा ऐसे करो, हाँ, इस इक्वेशन का जो वी एन यहां पे जो निकला था उसको इस इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। वी एन अगर इस इक्वेशन में डाल दिए तो मुझे क्या मिलेगा, वी एन हट जाएगा तो बचेगा आर एन। आर एन रेडियस उनको कितना मिला, एन स्क्वायर अपॉन एम एच बाय टू पाई का होल स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई ई स्क्वायर। अब इसको अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे आ गया, तो अगर वैल्यू डालोगे फिर स्क्वायर वेयर करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखने की बात है, हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, एच पता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, टू पाई का वैल्यू पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय ई स्क्वायर, इन सबका वैल्यू पता है, तो जो वेलोसिटी है या जो रेडियस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर के ऊपर। मतलब अगर मैं रेडियस बढ़ाता हूं तो मतलब नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाता हूं तो रेडियस क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक सेकेंड, बढ़ेगा। अगर मैं, अब इसको ऐसे समझो, अगर मैं रेडियस को बढ़ाता हूं, ठीक है, रेडियस को बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हुए चले जाएंगे, चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, रेडियस इन द नेक्स्ट ऑर्बिट, कंक्लूजन वन, रेडियस इन द नेक्स्ट ऑर्बिट कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजेस बाय एन स्क्वेयर, ऐसे बढ़ रहा है, इसमें पता चला। अब उन्होंने क्या किया, इसमें से आरएन का वैल्यू निकाला, इस इक्वेशन में से आरएन कितना हो जाएगा, एनएच अपॉन टू पाए डिवाइडेड बाय वी इंटू एन, एम इंटू वी एन होगा ना, और आरएन का वैल्यू उन्होंने इसमें डाल दिया, इधर आरएन का वैल्यू इधर डाल दिया। जब उन्होंने ये वाला वैल्यू डाला तो उन्हें वी एन कितना मिला, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिला 1 बाय एन इंटू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन 2 पाई। अब यहां पे ई का वैल्यू हमें पता है, 4 पाई का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एच अपॉन 2 पाई का वैल्यू पता है। तो क्या देखा गया, जब उन वो वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी को बढ़ा रहे, या फिर ऐसे अगर बोलो, अगर आप ऑर्बिट बढ़ाते हुए चले जाओ, ऑर्बिट बढ़ाते हुए चले जाओ, वेलोसिटी घटते हुए आ जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी इन द नेक्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड कंक्लूजन है, वेलोसिटी इन द नेक्स्ट ऑर्बिट डिक्रीजेस बाय एन या डिक्रीजेस बाय वन बाय एन, सॉरी वन बाय एन हुआ। और जब, अब ये ये तो उन्होंने फॉर्मूला के फॉर्म में निकाल दिया, अब जब हाइड्रो, बात तो कर रहे थे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन में R का वैल्यू, जो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, N वन होता है। तो जब हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट किया और इस N के जगह पे वन पुट किया तो क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, N का वैल्यू वन का स्क्वायर वन, एम रहा एच स्क्वेयर बाय फोर पाई स्क्वेयर, और यहां पे है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, फोर पाई और फोर पाई गेट्स कैंसल्ड, तो बचा क्या क्या, फॉर हाइड्रोजन एटम एन इक्वल टू कितना हो गया, वन। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वन विल बी इक्वल टू वन बाय एम इंटू एच स्क्वेयर बाय फोर पाए स्क्वेयर इंटू फोर पाए एप्सिलॉन नॉट बाय ई स्क्वेयर। तो फोर पाए, और यहां से एक फोर फोर तो कटेगा, एक पाए भी कट जाएगा, मतलब बचेगा सिर्फ पाए, बचेगा या नहीं बचेगा। और जब इसमें सारा वैल्यूज पुट किया गया,
इसमें जब सारा वैल्यू एच का वैल्यू पुट किया गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट किया गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट किया गया, ई का वैल्यू पुट किया गया, तो कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 5.29 × 10⁻¹⁻ ये निकला। ठीक है, उन्होंने ये कैलकुलेशन किया था, मैं खुद नहीं कर रहा हूं, उन्होंने ये कैलकुलेशन किया था। तो जब वैल्यूज डाला गया तो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम कितना मिल गया, इतना मिल गया, मतलब उसका जो पहला ऑर्बिट होगा वो न्यूक्लियस से कितने दूरी पे होगा, इतने दूरी पे होगा। और इसी रेडियस को हम बुक में ए नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि आर वन से कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ए नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको बोला जाता है बोर्स रेडियस। क्या बोला जाता है, बोर्स रेडियस। ये उन्होंने रेडियस ऑफ द क्या, हाइड्रोजन एटम उसमें से निकाल दिया। अब देखो ये सब कैलकुलेशन में तो हो रहा था, प्रैक्टिकली वो तो दिखा नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए अब जो एक्चुअल में जब बाद में हमने, हमारे पास मॉडर्न माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, जब हम उसमें देखे हाइड्रोजन एटम को नीचे, तब देखा गया कि बोर साहब ने जो कैलकुलेशन किया था वो उसी के आसपास ही है, मतलब 19-20 का फर्क है बस। तो सोचो उस लेवल, वो किस लेवल पे सोच रहे होंगे। चलो ये तो आ गया, निकल गया हमारा रेडियस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस तो मिल गया, अब इसमें एनर्जी की बात करेंगे। जो हमने बोला कि या बोर साहब ने बोला था, जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आएंगे या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आएंगे, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, करेंगे ना। और एनर्जी का फॉर्मूला रदरफोर्ड साहब ने पहले से देखे हुए रखा हुआ था, दिया हुआ था। और एनर्जी E इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ करता था, टोटल एनर्जी कितना होता था, -E² / 8πε₀₀r, ये उन्होंने दिया ना। और जब उन्होंने इस रेडियस के जगह पे, इस r के जगह पे जब उन्होंने ये वैल्यूज डाल दिए, अगर ये वाला, अब मैं ये n, अब मैं हाइड्रोजन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एटम हो, अगर EN के लिए निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इस R के जगह पे ये वाला वैल्यूज डाल दूंगा ना, तो कितना बन जाएगा, EN विल बी इक्वल टू -E² / 8πε₀₀ × 1/r है, मतलब इसका सारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, (mn²)·2πh²(4e²)·4πε₀₀, ये बन जाएगा सारा कुछ, तो रेसिप्रोकल होगा, होगा या नहीं होगा। अब जब इसको सॉल्व किया गया, एक काटाकुटी किया गया सारा, तो क्या मिला, En इज इक्वल टू -me²/8n²(ε₀₀²)·h², ये मिला। अब हाइड्रोजन एटम, ये तो जनरल एनर्जी का फॉर्मूला, ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैं बात कर रहा हूं, ये कौन से एनर्जी के बात कर रहा हूं, लास्ट क्लास याद करो मैंने बोला था, अगर ये नेगेटिव एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि इसी के वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होके उसके चक्कर काट रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दूं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा, बोला था ना, और वो इसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा जब वो उसके चारों ओर, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होगा, तो एनर्जी उसमें इतना होगा। ठीक है, ये पार्ट लिख चुके हो। अब अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें, हाइड्रोजन के लिए बात करें तो एन का कितना हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू, जब यहां पे सारा वैल्यूज डाला गया दैट वो निकल के आया -2.4
18 × 10⁻¹⁸ जूल, माइनस 18 बाय एन स्क्वायर, इतना जूल निकल के आया। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन के लिए एन के जगह पे क्या डाल दो, वन डाल दो, तो कितना एनर्जी आएगा, इतना एनर्जी चाहिए, है ना। समझ रहे हो या नहीं समझ। अब जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर करते हैं एनर्जी को, ईवी से। तो इसको अगर मैं जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ई विल बी इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, यहां पे एन स्क्वायर लिखे रहो, यहां पे लिख देना फॉर एन हाइड्रोजन एच एटम एन इज इक्वल टू क्या होता है, वन, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो छोड़ेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझे क्या कहानी हुई। तो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो कितना एनर्जी छोड़ रहा होगा, -13.6, मतलब अगर छोड़ नहीं रहा होगा, जब वो उसको हम इतना एनर्जी दे देंगे तो वो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन न्यूक्लियस को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एक अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन के बारे में छोड़ के कोई दूसरा एटम के बारे में बात करूं, मान लो इलेक्ट्रॉन इस वाले जगह पे है, इधर से इधर आएगा, 2 से 1 आएगा, तो यहां पे उसका एनर्जी निकाल दो, जब कितना एनर्जी होगा, यहां पे एन के जगह पे 2 डाल देना, ठीक है ना, 2 डाल दोगे तो क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट है, 2 डाल दिए तो 2 का स्क्वायर 4 -13.6/4, और जब यहां पे आएगा कितना होगा, 1 एन के जगह पे 1, तो -13.6/1, यहां पे एक एनर्जी मिला, यहां पे एक एनर्जी मिला, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो यहां से जो एनर्जी निकलेगा जिसके वजह से लाइट हमें मिलता है, फोटोन जो मिलता है वो एनर्जी, जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस मिलेगा वो एनर्जी हमें मिल जाए। तो इतना बोर साहब ने कैलकुलेट करके दिया हुआ था। अच्छा, यहां पे और एक चीज तुम लोग के दिमाग में होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है और 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे एटम के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में वो जरूरत होगा। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 6.4241 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल, इतना होता है। ये कन्वर्शन फैक्टर याद रखना, क्वेश्चन में आपको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, और ये वैल्यूज नहीं देता है क्वेश्चन पेपर में, जो कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू होते हैं वो दे देते हैं, लिखा होता है ना क्वेश्चन के पहले कॉन्स्टेंट यूज दिस एच का वैल्यू, ये का वैल्यू, वो का वैल्यू, ये वैल्यूज नहीं देंगे। तो इसको दिमाग में रखना है, ये सोच के मत चले जाना कि क्वेश्चन पेपर में तो लिखा होगा हम कर लेंगे, ये नहीं देंगे, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस करते वक्त काम में आएंगे। ये तो था हमारा क्या, बोर साहब का कहानी, कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है या फिर कैसे क्या होता है। ठीक है, अब अगर यहां पे ये सोचो, इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी छोड़ रहा होगा, और वो एनर्जी जो छोड़ा वो किस फॉर्म में आएगा, लाइट के फॉर्म में। और हर एटम के लिए या हर एलिमेंट के लिए, कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट के लिए अलग अलग एनर्जी निकल रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 से 1 आए, नंबर ऑफ ऑर्बिट तो कुछ भी हो सकता है, तो कहीं पे ज्यादा एनर्जी एमिट हो रहा होगा, कहीं पे कम किसी एटम के लिए। लेकिन दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर हाइड्रोजन एटम का वो यहां पे इस रूम में जितना हाइड्रोजन एटम एनर्जी एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, यूएसए में भी उतना ही करेगा, दुनिया में कहीं भी कल। तो 118 एलिमेंट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आ जाएंगे इसमें से। अगर थोड़ा ध्यान देके सोचो, अगर हाइड्रोजन एटम या फिर एक एग्जांपल के तौर पे सोडियम एटम और क्लोरीन एटम दोनों का स्टेट, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तब अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ रहे होंगे, और जब अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ रहे होंगे वो उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गया,
हो गया या नहीं हो गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, बोर साहब के इस एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि सारे जो 118 एलिमेंट्स है सबका एनर्जी निकाल के रख दिया। मतलब एक चार्ट बना लिया कि अगर मैं इस पे एक, एक इसको इस एटम को या इस एलिमेंट को एक्साइट करता हूं तो मुझे ये कलर का लाइट मिलेगा, या फिर इसमें से ये कुछ कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगी, या फिर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे मिल रहा होगा। तो जब अगर आपको कोई नया एटम मिलता है या नया एलिमेंट मिलता है और आप खुश होकर भाग भाग के गए, मुझे एक नया एलिमेंट मिला, चेक कीजिए, वो पकड़ेगा, वो उस जो पैरामीटर उन्होंने बनाया हुआ है 118 का, उसमें एक, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है, उसके अंदर वो डाल दिया उस एलिमेंट को जो आप लेके गए, आप बाहर खुश हो रहे होगे, चलो अच्छा है, मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा ये वो, ठीक है। अंकित तो अभी से हंस रहा है, मतलब उसको मिलेगा, ठीक है, तो उसको बाहर बैठ कर खुशी हो रहा है, और अंदर से वो आया, अबे गधे ये कुछ नहीं है, इसमें सोडियम भरा पड़ा हुआ है। अब वो उसको अंदर वाला, अब इसका मुंह तो रुतड़ू जैसा हो जाएगा। अब उसको कैसे पता चला, उसने क्या किया, उस एटम पे लाइट गिराया, लाइट गिराया, और जब देखा उस स्पेक्ट्रम से मैच करवाया तो उसमें से हाइड्रोजन का या सोडियम का क्या लाइट निकलता हुआ दिख रहा था, तो बोल दिया कि नहीं ये नया एलिमेंट नहीं है। और अगर मान लो सच्ची में, मान लो अनुष्का कोई एक नया ऐसा चीज ले आया जो एक्चुअल में एक नया एलिमेंट है, ठीक है, और तो वो जब बाहर आएगा बोलेगा ऐसा तो हमें हमने देखा नहीं है ऐसा लाइट, तो इसको फर्दर हम एग्जामिन करेंगे कि ये नया एलिमेंट है या नहीं है। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें पहचानने में मदद करता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम में से कितना एनर्जी मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और उसी के बेस्ड पे अब हर एलिमेंट का 118 का मिल गया, लेकिन उसमें कुछ पैटर्न, हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं या हम जो होते हैं एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि हमें याद रह जाए जल्दी से। तो उसमें से एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के टीचर थे, फिजिसिस्ट नहीं, फिजिक्स के टीचर थे बाल्मर साहब, उन्होंने एक अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, व्हाट डू मीन बाय वर्ड एम्पिरिकल। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एमिशन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। अब थोड़ा याद करो, अगर मेरे पास एक प्रिज्म होता था, रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे थे, अगर प्रिज्म में एक तरफ से व्हाइट लाइट डालते थे तो दूसरे तरफ से क्या निकलता था, बिबग्योर निकलता था, वी आई, अलग अलग लाइट निकलते थे। तो वही चीज एमिशन में भी किया गया। अब ये दो तरीके के होते हैं, क्या होता है, अगर जब एक इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट पे आता है तो वो अलग अलग लाइट छोड़ना शुरू कर देता है, वो वाला जो स्पेक्ट्रम है वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एन एटम ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ विल बी एमिटेड। तो एक एटम से दूसरे एटम पे जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या एक पर्टिकुलर लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। अब दिक्कत क्या हुई कि लाइट वो तो बहुत तरीके, जैसे पिंक, बेबी पिंक, हॉट पिंक, अमोक डिंकी बगो, पिंक में भी 100-200 शेड्स हैं, ग्रीन में भी 100-200 शेड्स हैं। अब लड़कों को क्या पता, वो तो लड़कियों का डिपार्टमेंट है ना, कलर वगैरह याद रखते हैं, तो कलर में मजा नहीं है हमें, भाई ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, इतना शेड्स हम पहचान नहीं सकते। तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए दूसरा स्पेक्ट्रम क्या कर दिया गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या है, हो वही रहा था, जब एक इलेक्ट्रॉन में से, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन आता है उसमें से एक कलर निकल रहा होगा, ठीक है, उसके सामने हमने रख दिया व्हाइट लाइट, ठीक है। या फिर ऐसा समझो, एक इलेक्ट्रॉन से, मेरे हाथ को देखना, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो इधर से लाइट निकलेगा, अब उसके पीछे मैंने रख दिया व्हाइट लाइट, पीछे से व्हाइट लाइट आ रहा होगा और सामने इधर मान लो स्क्रीन है, व्हाइट लाइट जा रहा होगा, और व्हाइट लाइट जब जा रहा होगा इसमें से मान लो ब्लू निकला, ठीक है, तो व्हाइट लाइट में भी ब्लू कलर है, व्हाइट लाइट भी तो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, ब्लू कलर है। तो जब ब्लू कलर उस स्क्रीन पे गिर रहा होगा और व्हाइट लाइट भी गिर रहा होगा, जिस जगह पे ब्लू कलर गिर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जैसे प्रिज्म में हो रहा था, एक तरफ से व्हाइट लाइट गया तो 7 कलर आए, उसमें और एक उल्टा करके प्रिज्म लगा दो तो बाहर फिर व्हाइट लाइट ही निकल रहा था,
हो रहा था ना, तो इधर जो ब्लू कलर इलेक्ट्रॉन की वजह से निकल रहा था जब जंप करके ब्लू कलर निकल रहा था उसी, और ये व्हाइट लाइट जब गिरा तो ये इसमें जो ब्लू कलर था वो एब्जॉर्ब हो गया बाय दिस व्हाइट लाइट और बाकी सारे मिल गए। मतलब इस स्क्रीन में हमें क्या देखने को मिलेगा, लाइट फिर डार्क फिर लाइट, मतलब यहां पर पैच में क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का पैच आ जाएगा क्योंकि जो ब्लू कलर लाइट एटम से निकल रहा था वो एब्जॉर्ब हो गया। तो हमें क्या व्हाइट ब्लैक का पैचेस मिल जाएंगे और वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि कलर कौन पहचानेगा। और कलर भी तो ऐसा नहीं कि विबग्योर में 7 अलग अलग कलर क्या पूरा कंसिस्टेंटली दिखते हैं, नहीं ब्लेंड हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं तो उसके वजह से कुछ अलग कलर भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग कलर इतना कौन याद रखेगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट का एक पैचेस बना लिया जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, पुराने का कलरफुल है और ये पहले जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और इसी में जो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, तो सबसे पहला पैटर्न बाल्मर साहब ने दिया था जो, और उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और ये किसके लिए है, फॉर विजिबल लाइट के लिए। अब विजिबल लाइट अगर रख रहे हो और उसके सामने अगर आप कोई भी दूसरा एटम रख दे रहे हो, मान लो सोडियम रख दिया क्लोरीन रख दिया, ठीक है, जब रख दिया तो उसमें से जो लाइट एमिट हो रहा होगा उसका वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और उनके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए क्योंकि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ विजिबल लाइट से तो बना नहीं है, अल्ट्रावायोलेट भी है, इंफ्रारेड भी है, बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट हैं। तो उनके बेसिस पे बाकी अलग अलग साइंटिस्ट भी अपना फॉर्मूला देते चले गए, जैसे कि लाइमन सीरीज किसके लिए काम करता है, अल्ट्रावायोलेट के लिए। अब उसका फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। उसके बाद पास्टियन सीरीज आए, पास्टियन साहब आए और उन्होंने अपना फॉर्मूला दे दिया, वही जो ये है वही है लेकिन बस यहां पे चेंज हो रहा है 1/3 का स्क्वायर पास्टियन सीरीज के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए है, फॉर इंफ्रारेड। और उसके बाद ब्रैकेट साहब आए, ब्रैकेट साहब भी इंफ्रारेड के लिए दिए लेकिन इंफ्रारेड तो ऐसा नहीं है कि इतुस है, वो तो बहुत बड़ा वेवलेंथ है, मतलब बहुत बड़ा उसका रेंज है। तो अगर बहुत बड़ा रेंज है, कुछ रेंज के लिए पास्टियन साहब ने दिया, कुछ के लिए ब्रैकेट साहब ने दिया और कुछ के लिए पीफन साहब ने दिया। और ये हमारे सामने फॉर्मूले एम्पिरिकल फॉर्मूले निकल के आ गए जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, एटम का इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरे जगह, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो उसमें से कौन सा लाइट निकल रहा है, इस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़े हुए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है तुम लोगों पे, मुझे पता है याद नहीं होगा तो अच्छे समझा दिया। अगर फिर भी डाउट हो घर पे जाके पढ़ना, अगर फिर भी डाउट हो तो पूछना, समझा देंगे और अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास हम बोर साहब के कुछ या जो एनर्जी लेवल या जो अभी बात किए, ठीक है, एनर्जी के बारे में बात किए ना कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो जब एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, हाइड्रोजन में हमें कितने लेवल्स के एनर्जी देखने को मिल सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो हम सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास एटम चैप्टर का दी एंड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।